अभी तक हमने वीडियो में देख लिया कि मास्किंग क्या होता है, मास्किंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, मास्किंग कैसा करना है, इसके बारे में अब हम देखते हैं कि मास्किंग जो रहता है, हमको एसी मास्किंग करना है तो हम कैसे करेंगे, हमको किस प्रकार से एसी मास्किंग करना चाहिए, उसके बारे में हुड नाम के एक साइंटिस्ट ने 1960 में प्लेटो मेथड दिया था कि हम जब मास्किंग कर रहे हैं उसमें प्लेटो मेथड के द्वारा जो एसी या बीसी मास्किंग जब करते हैं तो हमने अभी हम बात करेंगे एसी मास्किंग की, प्लेटो मेथड के द्वारा एसी मास्किंग के हम मास्क थ्रेशोल्ड कैसे निकालेंगे। अनमास्क थ्रेशोल्ड तो हमको पता है निकल गया, अब मास्क थ्रेशोल्ड कैसे निकालेंगे उसके लिए हुड ने प्लेटो मेथड दिया था। कब दिया था? 1960 में। तो उसने क्या बोला था, हुड ने ये बोला था कि जब हम पर्सन को मास्किंग कर रहे हैं तो हमने अभी देखा मास्किंग क्या होता है कि जो नॉइज टेस्टर रहता है उसमें हम नॉइज देते हैं, उसकी प्रेजेंस में हम टेस्ट करके थ्रेशोल्ड निकालते हैं, इसी को हमने बोल दिया था मास्किंग। तो अब हमको ये कैसे पता रहेगा कि हमको जो नॉइस है या जो मास्कर है उसको हमको कितना देना है, हमको ये पता है कि उसको नॉन टेस्ट केयर में देना है, कितना देना है ये कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में हुड ने बताया, हुड ने बोला था कि जो इनिशियल मास्किंग लेवल, मतलब कि जब हम मास्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल मास्किंग लेवल या फिर जिसको हम बोल रहे हैं नॉइस या मास्कर, जिसको हम देते हैं नॉन टेस्ट केयर में, क्योंकि हमको टेस्ट केयर में तो चेक करना है ना भाई, टेस्ट केयर में जब हमको चेक करना है तो टेस्ट केयर में मास्किंग कर ही क्यों रहे, हमको मास्किंग जरूरत ही क्यों पड़े, इसलिए कि जो टेस्ट केयर वाला जो हम स्टिमुलस को दिया था पर्सन को, वो उसका आईए ज़्यादा होने पर, मतलब उसका आईए 40 डिग्री से ज़्यादा होने पर, उसका जो डिफरेंस आ रहा है एसी और बीसी का वो आईए से ज़्यादा हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि आईए से ज़्यादा हो रहा तो उसमें क्या हो रहा है, क्रॉस हेयरिंग हो रही है। तो उस क्रॉस हेयरिंग को रोकने के लिए हुड ने बोला कि इनिशियल मास्किंग लेवल कितना रखना चाहिए ताकि जो मतलब अनमास्क एसी निकाल रहे थे तो उस टाइम पे जो क्रॉस हेयरिंग है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो उन्होंने बताया था इनिशियल मास्किंग लेवल का मतलब क्या रहेगा कि हमारा नॉइस का लेवल कितना होना चाहिए ताकि जो टेस्ट केयर में जब हम टेस्ट करें तो उससे जो क्रॉस हेयरिंग हो वो क्रॉस हेयरिंग रुक जाए, वो क्रॉस हेयरिंग नहीं हो पाए, मतलब समझ लो इनडायरेक्टली वो ये बोल रहा है कि जो नॉन टेस्ट केयर है उसका पार्टिसिपेशन खत्म हो जाए, कब, जब हम टेस्ट केयर का थ्रेशोल्ड निकाल रहा है। तो हमको इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको ये फ़ायदा रहेगा कि जो टेस्ट केयर है उसका हमको एक्चुअल थ्रेशोल्ड मिलेगा, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे उस पर्सन को कितना लॉस है या उसका कितना डीबी पे उसका थ्रेशोल्ड आ रहा है ये हमको पता चलेगा। तो उसने ये बोला था इनिशियल मास्किंग लेवल जो रहेगा वो हम रखेंगे एसी थ्रेशोल्ड ऑफ नॉन टेस्ट केयर प्लस 10 डीबी, समझ रहे हो ना, एसी थ्रेशोल्ड ऑफ नॉन टेस्ट केयर प्लस 10 डीबी। ये कब की बात करो, जब हम एसी मास्किंग करेंगे तब की, ठीक है। अब फिर उसने बात किया, एक कान में तो हमने चलो दे दिया नॉइस, एक कान को हमने कर दिया बिजी कि भाई तू बिजी रहे, हमको जो टेस्ट केयर है उसका थ्रेशोल्ड निकालना है, तो हमने उसमें दे दिया नॉइस। ये नॉइस क्यों दिया हमने, ताकि जब हम टेस्ट केयर निकाल रहे हैं, टेस्ट केयर का जब थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं तो वो क्रॉस हेयरिंग होकर नॉन टेस्ट केयर को जाए नहीं, तो इसलिए हम जो नॉन टेस्ट केयर है उसको बिजी कर रहे हैं, अपने काम में तो मस्त है, उसको बिजी कैसे कर रहे हैं हम, नॉइस देके। नॉइस कितना दे रहा, इनिशियल मास्किंग लेवल देते हैं वो कितना देते हैं, एसी थ्रेशोल्ड ऑफ नॉन टेस्ट केयर, मतलब नॉन टेस्ट केयर का जो एसी थ्रेशोल्ड है 40 हो 50 हो 20 हो 30 हो जो भी हो उसका जो थ्रेशोल्ड है वो थ्रेशोल्ड नॉन टेस्ट केयर का प्लस उसमें 10 डीबी बढ़ा के दे दो, ठीक है। अब मान लो ये आदमी 30 डीबी का सुन रहा है, अगर इसको 30 डीबी का कोई भी बोल रहा है ये बहुत अच्छे से सुन लेता है उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, तो हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे 10 डीबी ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं, तो वो 30 पे सुन रहा था, हम उसको ज़्यादा दे रहे हैं तो वो बिजी हो रहा ना, उसको ज़्यादा आवाज़ आ रही उससे, उसको इस कान के उस आवाज़ से उसको कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, तो हम अपन इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, क्रॉस हेयरिंग को रोक रहे हैं कि जब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं तो जो बाई बोन कंडक्शन से जो हमारा थ्रेशोल्ड जो टेस्ट केयर नॉन टेस्ट केयर में आ रहा है तो वो आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम तो उसको नॉन टेस्ट केयर को बिजी कर दें नॉइज देखें। तो उन्होंने ये बोला था कि हम ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे कि एसी थ्रेशोल्ड ऑफ नॉन टेस्ट केयर प्लस 10 डीबी, ये किस चीज़ के लिए बात कर रहा है, ये एसी मास्किंग के लिए बात कर रहा है, ठीक है। अब फिर बात आएगी टोन, कि हम जो टेस्ट केयर है उसमें टोन कितना रखेंगे, भाई हमने तो ये देख लिया कि नॉन टेस्ट केयर को हमने मास्क करके या नॉइज देके हमने उसको बिजी कर दिया, तो हम उसमें टेस्ट केयर में टोन कितना रखेंगे, तो टेस्ट केयर में जो उसका थ्रेशोल्ड आया है उसी से आप टोन देना चालू कर लो, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि उसका 60 था, ठीक है ना, तो 60 से देना स्टार्ट कर दो, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, एक अभी बता देता हूँ, ये बीसी है,
बीसी का जो टेस्ट है नॉन टेस्ट एयर है उसका ये बीसी है, ठीक है। ये उसका थ्रेशोल्ड कितना है 10, यहाँ पे ये टेस्ट एयर इसका थ्रेशोल्ड कितना था उस टाइम पे 60 था। ये दोनों सुपरा मतलब 50 डिग्री का इसमें डिफरेंस था, तो सुपरा और हेडफोन हम चेक कर रहे थे तो हमने देखा था ये उसके आई ए से ज़्यादा है, तो उसका थ्रेशोल्ड हमने ये देखा था क्रॉस ईयरिंग होकर नॉन टेस्ट एयर का आ रहा था। तो हमने अब इस बंदे को हमने बीसी कर दिया, किससे, इनिशियल मास्किंग लेवल से, किसको, नॉन टेस्ट एयर को, ठीक है। अब टेस्ट एयर हमको निकालना है, तो हमको ये पता है कि जब हमने 60 दिया था वो किधर आया था, इस कान में आया था। तो इसका मतलब क्या है कि जो टेस्ट एयर रहेगा इसका थ्रेशोल्ड इससे नीचे होगा या इसके बराबर होगा, समझ रहे हो ना। तो 60 हमने एक अनुमान लगा था कि 60 दिया, तो हम ये सोच रहे कि ये अच्छा कान है तो इसमें सुनाई दे रहा होगा भाई, क्रॉस ईयरिंग हो रहा होगा। तो हमने क्या किया, हम उसको जब टोन देंगे टेस्ट एयर में एसी मास्किंग के टाइम पे, तो ये जो एसी है ना इसके बराबर ही हम टोन दे देंगे स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे। हमने जब इसको 60 का टोन दिया भाई साहब को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दो पॉसिबिलिटी है कि हम मास्किंग में जब नॉइस प्रेजेंट कर रहे हैं, नॉइस की प्रेजेंस में हम जो टेस्ट एयर था उसके ही हमने जब एसी जो थ्रेशोल्ड आया था उससे टोन देना चालू कर दिया, हमने टोन प्रेजेंट किया, उस भाई साहब को दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। या तो बोल देगा कि हाँ उसको आई आवाज़ आई, तो फिंगर अपनी राइज कर देगा कि हाँ टोन की आवाज़ आई मेरे को नॉइस की प्रेजेंस में, ठीक है। या फिर वो बोलेगा नहीं आई, तो अपने को क्या करना, अगर नहीं आई है 5 डिग्री बढ़ा दो, यानी कि इसको 65 कर दो। अभी हमने इनिशियल मास्किंग लेवल को छेड़ा नहीं है, वो उतना का उतना है जो उसका जो एसी थ्रेशोल्ड था, ये उसका बीसी थ्रेशोल्ड है, उसका एसी थ्रेशोल्ड मान लो 30 है 20 है जो भी है देख लेंगे अपन, जो भी है उसका 30 20 जो भी है। तो हमने उसका मान लिया 30 है, उसमें 10 डिग्री जोड़ दिया, उसको हमने कर दिया 40। ये हमारा हो गया फोन मास्किंग लेवल, ये हमारा हो गया टोन। अब हमने चालू किया, अब देखो हमने जब उसका टोन चालू किया तो हमने ये देखा कि हमने उसको 65 दिया, तो उसने फिर क्या बोला, हाँ आवाज़ आई मेरे को, ठीक है। जब उसने बोल दिया आवाज़ आई, कितने पे आवाज़ आई उसको 65 पे, तब हम फिर क्या करेंगे इसमें 10 डीबी और नॉइज़ बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे इसको 50। फिर हम देंगे इसको 65 पे टोन, अगर ये भाई साहब ने फिर भी उंगली खड़ी कर दी कि हाँ आवाज़ आई मेरे को, तो फिर हम बढ़ाएंगे 10 डीबी, ये कितना हो गया 60, ठीक है। फिर भी इस भाई साहब ने उंगली उठा दी कि हाँ मेरे को आवाज़ आई, समझ रहे हो। जब 3 बार नॉइस का लेवल बढ़ाने पे उस पर्सन ने एक पर्टिकुलर टोन पे 65 डीबी पे ही अगर उसने रिस्पॉन्स किया, 3 बार नॉइस बढ़ाने पे एक पर्टिकुलर टोन पे, पर्टिकुलर डीबी जो जितने भी पर्टिकुलर डीबी मान लो 60 65 जितनी भी है, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया उस हिसाब से 65 डीबी उसने बोला, तो 65 डीबी पे उसने 3 बार नॉइज बढ़ाने पे, एक बार नॉइज बढ़ाया, 2 बार नॉइज बढ़ाया, 3 बार नॉइज बढ़ाया, उसका टोन कितना रहा 65 पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट एयर है उसका एसी मास्क थ्रेशोल्ड जो रहेगा वो 65 रहेगा, और उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे, वो किसी भी फ्रिक्वेंसी हो, मान लो हमने जो टेस्ट किया वो 1K पे किया हो, तो उस 1K के लिए एसी का थ्रेशोल्ड कितना हो गया 65। इसी को बोलते हैं एसी मास्किंग, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बीसी मास्किंग की, बीसी मास्किंग के लिए हुड भाई साहब ने क्या बोला, ये प्लेट को अच्छे समझ में आ गया ऐसे करना। अगर मान लो हमने देखो जब स्टार्टिंग में किया था 60 पे दिया था तो उसने उंगली नहीं खड़ी की थी, तो हमने नॉइस के लेवल को कोई छिड़कानी नहीं किया था, ठीक है। हमने सीधा टोन बढ़ाया था 5 डिग्री से, फिर उसने बोला था हाँ मेरे को आवाज़ आई, फिर हमने नॉइस बढ़ाया, फिर उसने बोला कि हाँ आवाज़ आई, फिर हमने नॉइस बढ़ाया, फिर उसने बोला कि हाँ उसको आवाज़ आई, तो हमने बोल दिया कि उसका टेस्ट एयर का एसी मास्क थ्रेशोल्ड है। वही अगर हमने एक बार और आवाज़ बढ़ाई, मान लो हम यहाँ से इसे प्रोसेस कर, ठीक है, हमने 40 डिग्री जब उसका नॉइस दिया तो भाई साहब ने बोल दिया नहीं भैया मेरे को आवाज़ नहीं आ रही, तो फिर अपने क्या करना है, टोन को 5 डिग्री और बढ़ाएंगे। टोन को 5 डिग्री बढ़ाना है, कब तक बढ़ाना है कि उस पर्टिकुलर जो नॉन टेस्ट एयर है जिसमें हम नॉइस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर नॉइस पे वो रिस्पॉन्स नहीं करते, तब तक हमको टोन को 5 डिग्री बढ़ाना है। जब उसने रिस्पॉन्स कर दिया तो उसके बाद हमको क्या करना है, नॉइस को 10 डिग्री बढ़ाना है, कितनी बार बढ़ाना है 3 बार बढ़ा के देखना है। 3 बार बढ़ा के देखा, अगर उसका पर्टिकुलर टोन पे मतलब एक ही टोन रही, मान लो 70 है, 70 पे हमने 3 बार नॉइस बढ़ाया उसका,
फिर भी उसका थ्रेशोल्ड टेस्ट केयर का 70 ही रहा जो हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा प्लेटू अचीव हो गया, यानी कि उस पर्सन का एसी मास्क्ड थ्रेशोल्ड उतना आ गया जितना हमको एक पर्टिकुलर जितने पर हम दे रहे थे और हमने नॉइस 3 मोड बढ़ाया और उसका उतना ही रहा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे बीसी मास्किंग की, क्योंकि बीसी मास्किंग के लिए होल्डर ने क्या बोला था, क्या प्रोसेस दी थी, उसके बारे में हम देखेंगे।